वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं यहाँ पे गाड़ी पे बैठी हूँ और गाड़ी से यहाँ से ही ब्लॉग कर रही हूँ। और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा सामान लेना है, ग्रोसरी वो सब भी लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और सो क्या हुआ इस बार ना, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग जो मैंने रिलायंस से करती हूँ, सो ओनली ना ऑयल आया है, जो तेल है तेल आया है 4 लीटर, बाकी कुछ भी नहीं आया है। बाकी सब कुछ सामान ना कैंसिल हो गया है। तो मैंने 3 बार किया था ऑर्डर, 3 बार ही कैंसिल हो चुका है। पता नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, इस बार ही हुआ है। मेरे मोबाइल से, मतलब मेरे अकाउंट से मैंने 2 बार दिया था और हस्बैंड के अकाउंट से भी 1 बार दिया था, तो सारा कुछ मतलब रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल हो गया है खुद ब खुद। तो मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद में बोला है कि सामान अवेलेबल नहीं है, इसीलिए शायद कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए मैंने और वो नहीं किया। और अभी ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना वो करना ही होगा, क्योंकि हमारा जो है ग्रोसरी सब ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत है। तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने, और एजेंसी जाना है LPG का, तो सिलेंडर का एजेंसी में भी कुछ काम है। तो देखते हैं और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी पहले जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रिलायंस से इस बार ऐसा हो चुका है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सामने ही है, बेलतोला में है और हम लोग पंजाबड़ी में रहते हैं, तो हम लोग जाके अभी ले सकेंगे। मेरा हस्बैंड अभी नहीं है यहाँ पे, ATM गए हैं, और यहाँ पे ATM है सामने, यहाँ पे इको बैंक का सामने, तो यहाँ पे ATM पे गए हैं पैसा निकालने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट रिलायंस या गैस एजेंसी, कहाँ पे जाते पहले देखते। तो चलिए, और पहले और एक बात बता दूँ कि हमारे साथ अभी प्राची नहीं है। आप लोग को लग रहा है तो कि प्राची कहाँ गई है, तो प्राची नहीं है, क्योंकि प्राची को घर पे रख के आए हैं। मेरी मम्मी आई थी तो उनके पास, मम्मी को पास, मतलब प्राची को रख के फिर हम दोनों आए हैं निकल के। आज सैटरडे है और अभी मम्मी आई है, और क्विकली जो बाज़ार बैठता है ना हमारे उधर, तो वो भी है। मैं अगर गई मार्केट शाम को या दोपहर को कभी भी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसा है वो हाट बाज़ार बोलते हैं ना, जो वीकली बैठते हैं वैसा, मतलब हमारा यहाँ पे बैठते हैं ओनली सैटरडे को, पांजाबाड़ी मेन जो बस स्टॉप है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं। तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और अभी जा रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि दोपहर हो जाएगा ना, फिर बाद में वो लोग बंद कर देंगे, हम लोग कब आएंगे रिटर्न कोई पता नहीं है। तो वो काम हमारा हो चुका है, तो सिलेंडर हमने ले लिया है, मतलब लेना था, तो वो काम हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं रिलायंस पे, तो रिलायंस पे बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। ऐसे तो अभी लॉकडाउन जब से हुआ है ना, तब से तो ऑर्डर कर रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, इस बार ही नहीं आया, तो इस बार कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए चलिए पहले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जितना हो सके, क्योंकि शूट करना वहाँ पे है क्या नहीं वो तो पता नहीं, अगर हो सके तो मैं शूट करूँगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बाद में शेयर कर दूँगी कि क्या क्या लाया है। Thank you.
तो खा लिया नहीं कोई मास्क नहीं तो जगह से तो मास्क मैंने पहन लिया है और यहाँ पे रिलायंस है रिलायंस स्मार्ट तो अंदर अगर शूट करने दे तो करूँगी अगर नहीं दे तो नहीं करूँगी तो चलिए डायरेक्ट मार्केट जाते हैं अभी रिकॉर्ड करने का परमिशन नहीं है सो हम लोग बाहर आ गए हैं बाहर में अंदर ना बहुत रूल रेगुलेशन था तो वहाँ पे शूट करने नहीं देगा इसलिए वहाँ पे नहीं किया कुछ भी शूट और अभी पीछे है सामान ग्रोसरी और एक जस्ट वो फूल गोभी लिया है बाकी सामान हम लोग जो कच्चा तरकारी है वो सब तो हम लोग बाजार से ही लेने वाले हैं और मम्मी ने बनाया है चिकन और राइस हम लोग जाके सिर्फ खाएंगे और घर से नहीं किया था ब्लॉग रास्ते से ही कर लिया मैंने सोचा कि करने का कोई मतलब प्लानिंग नहीं था मैंने फटाक से सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ शेयर कर लेती हूँ मतलब कुछ दिन हो जाते ना देती नहीं हूँ तो इसीलिए मम्मी के साथ तो प्राची वहाँ पे खेल रही है और हम लोग अभी यहाँ पे जाएंगे अभी घर तो चलिए घर पे जाके ही मिलेंगे फिर से और क्या क्या लाया है मैं एक साथ सब वॉश करके फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है शॉपिंग में चलिए घर पहुंचने के बाद ही बात करूंगी बोली थी पर घर नहीं पहुंच रहे हम लोग ना यहाँ पे हैं थोड़े रास्ते पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं तो क्या हुआ ना अभी यहाँ पे हम लोग पोल्यूशन बनाने के लिए आए हैं तो कार का जो है ना पोल्यूशन तो ये मतलब फेल होगा या एक दिन दो दिन है शायद कुछ पता नहीं उसको ही पता ही इस बारे में मुझे नहीं पता होता है तो वो पोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं होगा ये गाड़ी को पहले थोड़ा सा मतलब ले आया है पीछे का फोटो कुछ मतलब खींचेगा तो ऐसा कुछ है तो पोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा और मम्मी और प्राची है घर पे मैं फ़ोन की थी और प्राची को खाना खिला रहे हैं वहाँ पे तो प्राची थोड़ा सा रो भी रही थी तो इतना नहीं रोएगी क्योंकि मम्मी के साथ वो रहती है और खाना वगैरह वो सब मम्मी खिला देती है अच्छे से तो मुझे कोई टेंशन नहीं है वैसे और अभी हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन बना रहे हैं तो पोल्यूशन होने के बाद हम लोग अभी यहाँ से रिटर्न करेंगे और ये जगह है वो जो रुक्मिणी गांव ऐसा कुछ बोलते हैं हाँ यहाँ पे चर्च है रुक्मिणी गांव का जो चर्च है ना वो है यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी यहाँ से पोल्यूशन बना के हम लोग घर जा रहे हैं
मैं सोची कि वहाँ पे रुके तो आप लोग से थोड़ा सा बात कर लूँ। वहाँ पे देखा है ना, वहाँ पे पोल्यूशन बना रहे हैं, कार के अंदर बनाते हैं हम लोग, बाइक का, कार का, सब यहाँ पे आके बनाते हैं। इन इन ये लोग मतलब एक ही आदमी रहता है या अलग अलग रहते हैं पता नहीं, तो रहते हैं यहाँ ऐसे, तो उनके पास ही हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। सब लोग शायद यहाँ पे बनाते होंगे, मुझे इतना नहीं पता है, फिर भी मैं आप लोग से ऐसे बता रही हूँ। घर पे और यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है ना, तो घर पे आ गई हूँ। फिर हमने खाना वगैरह खा लिया है, मम्मी ने दिया था मतलब हमें परोस के, तो हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं और प्राची भी सो रही है, वहाँ पे मम्मी और पापा है उस रूम पे और मैं हूँ इस रूम पे। तो क्या हुआ ना, वो सब जस्ट मैंने अभी सैनिटाइज करके रखा है, मैंने वॉश नहीं किया है सामान सब, क्योंकि ना फिर पानी पानी हो जाता है। तो मैं पहले आप लोग को दिखा दूंगी, उसके बाद मैं वो सब वॉश करूंगी, वॉश करके फिर मैं धूप दिखाने वाली हूँ, कल धूप दिखा के फिर ही मैं स्टोर करने वाली हूँ। सो इसीलिए अभी मैं मतलब कुछ कुछ ना पैकेट है जो कागज़ का पैकेट है, तो वो सब अभी मैं वॉश करके फिर आप लोग को दिखाऊंगी, तो ये क्या होगा ना भीग जाएगा, तो इसीलिए मैं पहले सैनिटाइज कर लिया है, अभी आप लोग को दिखाऊंगी, उसके बाद वॉश करके कल धूप दिखाऊंगी, फिर उसी उसके बाद ही मैं रखने वाली हूँ। सो इसीलिए तो चलिए पहले आप लोगों को ना कुछ सामान है वो सब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और उसके बाद मम्मी और मैं मतलब थोड़ा मार्केट जाएंगे, जो यहाँ पे बाज़ार हुआ है ना शनिवार को बेचता है, तो वो वाला मार्केट हम लोग जाएंगे कुछ वेजिटेबल लाने के लिए, जैसे मटर, फूल गोभी, बांधा गोभी, ब्रिंजल, वो सब लाने के लिए, आलू वगैरह, तो इसीलिए पहले ये सब दिखा देती हूँ। चलिए सो ये सब आया था, कल ही आया था, सिर्फ ऑयल ही आया, बाकी कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पे है धारा कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, ये है 2 लीटर, और यहाँ पे है ऐसा 2 लीटर। तो ये सब भी देखिए पानी पानी हो रहा है, मैंने ये सब धो के रखा था, कल आया था ना। तो फॉर्च्यून सोया हेल्थ, तो ये आया है 2 लीटर और ये 2 लीटर, सिर्फ तेल ही आया था, इसलिए बाकी सबको मुझे लाने के लिए जाना पड़ा। तो यहाँ पे है नमक 1 पैकेट, यहाँ पे है ये वाला टमेटो केचप, ये 1 पैकेट 950 ग्राम का है, तो 1 kg का है ये, और ताज़ा ये 2, और यहाँ पे ये बिस्किट 1 पैकेट, साफ एक्सेल 1/2 kg, और यहाँ पे ये वाला ये होमा का है केक वाला ब्रेड, ये वाला 1, और ये मियोनीस ये और 1 पैकेट, तो पहले का जो 1 लाया था ना, और ये वाला 2nd। तो यहाँ पे है ये चना ब्राउन वो वाला, यहाँ पे है ये देखिए लूज पास्ता, और ये वाला यहाँ पे क्या है ये काबुली चना, और है यहाँ पे ये मसूर, ओ शुगर है ये, तो चीनी, चीनी यहाँ पे कितना आया है 2 kg इतना ही आया है। ये है तूर दाल, ये है मसूर दाल, ये है सोया चंक्स, जो ये बड़ा बड़ा सोयाबीन है ना वो वाला लाया है मैंने, और ये फूल गोभी देख के वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सो 1 मैंने ले आया।
और ये एक है बन, ये वाला एक मसाला बिस्किट, तो ये वाला लाया एक, और ये वाला बिस्किट का साथ कंटेनर मिला था, फ्री मिला था, और ये एक जैम मजा, ये वाला दो टू प्राची के लिए, ये एक हल्दी पाउडर, ये यहाँ पे है पनीर, ये कितना ग्राम का है, 200 ग्राम का है ये पनीर, तो ये एक पैकेट लाया है। क्लिनिक प्लस का एक शैम्पू, यहाँ पे बटर, यहाँ हैप्पी हैप्पी एक केक, पूरोबी दही, ये है स्वीट कर्ड, यहाँ पे अनिक का एक घी लाया है, ये 200 ग्राम का, लक्स बार लाया है दो, बारबन भी दो पैकेट, ऐसा 100 नहीं है वहाँ पे, 100 नहीं था तो मैंने ये भी इनका लाया है दो, और ये एक कलर पेंसिल लाया मैंने, ये जस्ट ऐसे ही लाया है, ये ऐसा है, तो ये ना प्राची के लिए लाया हूँ मैं, मतलब मैं लाई हूँ, प्राची ना इससे कुछ भी ऐसे ही कुछ ड्राइंग करेगी तो कुछ लिखना वगैरह होगा, तो इसीलिए मैं ऐसे दूँगी फर्स्ट टाइम, तो ना दूसरा बच्चा को देखा था तो उसे भी ऐसा चाहिए था, तो मैंने ऐसे जस्ट ला के देखा कि उसे अच्छा लगेगा कि नहीं, तो वो अगर इससे ऐसे कुछ ड्राइंग बनाएगी ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्राची अगर कुछ भी लिखा ना उससे मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। और ये खस्ता मिक्स जो है ना, ये एक पैकेट लाया है, 500 ग्राम का है शायद, तो देखिए यहाँ पे ये सब सामान है, और इसे जस्ट सैनिटाइज किया है गया है, वॉश नहीं किया है अभी तक, सो मैं अभी इसे वॉश करने वाली हूँ, तो चलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और कल का जो है ना वो मैं क्या हुआ उस टाइम, मतलब रात को हमारा मार्केट जाने का जो बात था, तो मार्केट हम लोग गए नहीं क्योंकि प्राची रो रही थी, तो मैं उसके साथ रह गई, और पापा गए थे सिर्फ अकेले, तो पापा ने सब मार्केट वगैरह बाजार जो है ना वो सब किया था, तो इसीलिए शूट नहीं कर पाई, तो और रात को मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं किया, हम लोग डिनर करके तो हम लोग सो गए थे, और अभी है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और मैंने सारा काम वगैरह करके नहा भी लिया है, सो अभी हमारा सब काम फिनिश है, तो आज है संडे, और संडे में आज हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आज है हमारा मेहमान नवाजी, तो मतलब हमारा आज हमने इनवाइट किया है भैया भाभी, आप लोग ने देखा था ना जो वो ब्लॉग पे, तो वो लोग को हमने आज घर पे लंच करने के लिए बुलाया है, सो हम लोग अभी सब तैयारी कर रहे हैं, मम्मी सब लंच बना रही है, पापा है, हस्बैंड जी है, और प्राची और मैं, और यहाँ पे ये लोग आ गए हैं देखिए तो ये लोग अभी घूम रहे हैं, मम्मा हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, एक किसी कर दो, एक किसी कर दो, किसी करो, तो ये है यहाँ पे ये लोग, तो ये ऐसे घुमा रहे पापा मतलब प्राची को, और ये क्या हुआ हम लोग अभी जो ब्लॉग है ना वो नेक्स्ट ब्लॉग में शुरू करूंगी, क्योंकि वो ब्लॉग शायद कहाँ से कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो इसीलिए इस ब्लॉग को मुझे एंड करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, सो इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में यही से, ठीक है, तो चलिए बाय बाय टाटा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा है, टाटा बोल दो, जब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी तक के लिए बाय बाय।